सुप्रभात मेरे प्रिय शिक्षिका और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आरव संघवी दूसरी कक्षा के ए डिवीजन से आपको एक सुंदर कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है खुशबू और आवाज। यह कहानी एक खेत में काम करने वाले एक गरीब किसान की है, जिसका नाम रामलाल था और मोटू हलवाई वाला। तो एक शाम अपने खेत से काम खत्म करके घर को लौट रहा था रामलाल, तब भी उसको मिठाई की खुशबू आई। जो सुनते सुनते मिठाई की दुकान पे पहुंच गया, तभी उस जब उसने मिठाई की ओर देखा, उसका मुंह पानी से भर गया। फिर उसने लंबी सांस ली, फिर उसने अपने आप से बोला, चलो रामलाल घर को चलो, जेब में इतना पैसा नहीं और मिठाई वाला मुफ्त में मिठाई देगा नहीं, चलो रामलाल घर को चलो। तभी वो जा रहा था, तभी मिठाई वाला ने आवाज दी, हाथ को पेट पर घुमा घुमा के बोला, रो भैया मिठाई के पैसे तो देके जाओ। तभी रामलाल अपनी आदत के हिसाब से सिर खुजाने लगा और उसने उसने बोला कि मिठाई तो मैंने खाई नहीं, तो पैसे किस बात के। तो फिर से मिठाई वाला को पेट पर घुमा घुमा के बोला, मिठाई सुनना लो मिठाई खाना दोनों एक बराबर। पहले तो रामलाल घबरा गया, फिर उसने सोचा उसकी तरकीब सूझी और उसने अपने जेब से एक बटुआ निकाला, उसको जोर जोर से हिलाया और उसने बोला, मिठाई सुनना जब मिठाई खाना वैसे पैसों की आवाज मतलब पैसे दे देना। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, हमें अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहिए, मैं सारी मुश्किलों से डट कर सामना करना चाहिए। धन्यवाद, शुभ दिन।